हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी। और आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने जा रही हूँ ईद 2019 का ये मेकअप लुक, जो कि कोई भी कैरी कर सकता है। अगर आपके घर पे ईद की पार्टी चल रही है या अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं ईद की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप दोनों ही ओकेशंस पे, दोनों ही सिचुएशंस में आप इस तरह के लुक को कैरी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जो है फेस्टिव मेकअप लुक है, तो आप किसी भी टाइम पे, किसी भी फेस्टिव पे या अगर आप शादी में भी जा रहे हैं तो भी ये मेकअप कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमर के लिए NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसे मैं अपने टी जोन एरिया में, जहाँ जहाँ ओपन पोर्स हैं, और फिर पूरी तरह से अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का जो फाउंडेशन स्टिक है इन शेड नंबर 3, और इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, जो कि डैम्प है, उसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको मैं डैप डैप करते हुए ही ब्लेंड करूँगी। एंड गाइस, प्लीज़ इग्नोर माय बैकग्राउंड, क्योंकि मैं ये ऑल ऑफ अ सडन मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट करने का सोचा, तो मैंने कुछ बैकग्राउंड वगैरह सेटअप नहीं किया है। ऑल दैट मैटर्स इज़ कि ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट होके आया है, राइट? सो प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं ट्राईपॉड भी यूज़ नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड मेरे साथ नहीं था उस वक्त, तो मैं अपने फ़ोन को इस किसी तरह से एडजस्ट करके ही यूज़ कर रही थी। तो गाइज, यहाँ पे मैंने सेम फाउंडेशन स्टिक को, जो कि कंसीलर, एज अ कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसी को मैंने कंसीलिंग के लिए लगा लिया है, जहाँ जहाँ भी मुझे कंसीलिंग की ज़रूरत है। और फिर इसको मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अभी मैंने कंसीलिंग थोड़ी सी ही की है, क्योंकि बाद में कॉन्टोरिंग कर लेने के बाद में एक और बार मैं इस पर एक और लेयर लगाने वाली हूँ। तो ये है कॉन्टोरिंग स्टिक, जो कि सेम रेंज का है। मैं शेड नंबर आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा वहाँ पर। तो नोज़ को शार्प दिखाने के लिए मैं नोज़ को कॉन्टोर कर ले रही हूँ इस स्टिक की मदद से, और फिर अपने जॉ लाइन को, अपने फोरहेड को और अपने हॉलोज ऑफ द चीक को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इस चीज़ को। और इसको भी डैप डैप करते हुए ही ब्लेंड करना है, क्योंकि फिर अगर आपने इसको ड्रैग करने की कोशिश की तो ये पूरे फाउंडेशन के साथ में मिल जाएगा, और आपके पूरे फेस पे ये अगर कॉन्टोरिंग कलर स्प्रेड हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आपका पूरा फेस डार्क हो जाएगा फिर। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद में अगेन मैं सेम जो कंसीलर मैंने यूज़ किया था, जो फाउंडेशन स्टिक है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, इस टाइम पे मुझे थोड़े से ब्रेकआउट्स भी हो गए थे फेस पे, तो मेरे स्किन को भी इग्नोर कीजिएगा फ़िलहाल के लिए। बट जब पूरा मेकअप लुक क्रिएट हो के आ जाएगा तो आप देखेंगे कि इतने सारे जो पिंपल्स दिख रहे हैं या पिंपल के स्कार्स दिख रहे हैं, वो सब सारे के सारे छुप जाएंगे मेकअप में। तो एक और बात गाइज मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये जो प्राइमर है वो आपके ओपन पोर्स को कवर नहीं करता है। तो यहाँ कॉम्पैक्ट लगा लेने के बाद में मैं लगा ले रही हूँ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मार्स का। कॉम्पैक्ट वाला क्लिप मिस हो गया था गाइज, तो मैं कॉम्पैक्ट की डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे रोज़ गोल्ड एडिशन, जो कि है हुडा ब्यूटी का, इस पैलेट में से मैं ये कोको शेड लेके एंगल ब्रश की मदद से अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। लाइट हैंडेडली फिल करना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा, अगर आप आगे की तरफ में बहुत ज़्यादा कलर लगा लेंगे या बहुत सारा आई शेडो लगा लेंगे तो ये बहुत बनावटी लगेगा। अब इसी में से जो लास्ट शेड है, लाइट ब्राउन शेड है ये, तो इसको एज अ बेस मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड्स पे, और साथ ही मैं अपने क्रीज से थोड़ा ऊपर इस शेड को लगा ले रही हूँ। और ये चीज़ मैं दोनों आईज़ को एक साथ में ही आई शेडो लगा लूँगी दोनों आईज़ पे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ उसके बगल वाला शेड, जो कि है थोड़ा सा और डार्क वाला ब्राउन। इसको मैं अपने आउटर वी पे, अपने क्रीज पे और अपने लोअर लिड पे लगा लूँगी, यानी सॉरी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी। अब मैं पिंक शेड लेके
अपने लिड्स पे लगा ले रही हूँ और फिर ये जो शिमरी गोल्ड कलर का शेड है इसे मैं अपने लिड के बीच में और अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा ले रही हूँ। फिर इनको मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया था। अब एक जो कॉन्टोर ब्रश है उसकी मदद से मैं एक लाइट ब्राउन कलर का शेड सेम पैलेट में से लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर ले रही हूँ। पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसको कर लेने के बाद में मैं यहाँ पे सेम शेड को यूज़ करके अपने फिंगर की मदद से अपने नोज़ को और थोड़ा शार्प दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लश भी लगाया था जो यहाँ मिस हो गया है। ब्लश भी मैंने सेम पैलेट के जो पिंक कलर जो मैंने अपने लिड पे यूज़ किया था उसी को लगा लिया था। और अब मैं हुडा ब्यूटी का जो हाइलाइटिंग शेड है उसको लगा रही हूँ। उसमें से जो गोल्ड कलर का हाइलाइटिंग शेड है उसको मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा ले रही हूँ। बहुत ही अच्छा पैलेट है गाइस, बहुत अच्छा हाइलाइटर है। अगर फेस्टिव सीजन में आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, या वेडिंग्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह है किस ब्यूटी का लिपस्टिक जिसको लगा लेने के बाद में आईलाइनर काजल और मस्कारा लगा के मैं इस लुक को कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई है, आप चाहे तो बिंदी को स्किप भी कर सकते हैं और इस लुक को इजीली ईद के टाइम पे या फिर किसी भी फंक्शन में, किसी भी वेडिंग में, किसी भी फेस्टिव में ईजिली कैरी कर सकते हैं। और गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। टेक केयर एंड बाय।